आज के टाइम पर YouTube पर ग्रो करना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन इस चैनल ने सिर्फ 79 वीडियोस में 284K प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, वो भी कुछ ही महीनों में। लेकिन कैसे DRK Talks ने इतने कम समय में इतना ग्रो कर लिया, मैं बताता हूँ। DRK Talks के चैनल को डीप एनालाइज करने के बाद मुझे ये 5 स्टेप पता चले जो वो अपने 90% वीडियोस में यूज करता है। फिफ्थ वाला स्टेप तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बिना DRK Talks कभी ग्रो ही नहीं कर पाता। अगर आपको भी अपने चैनल पर लाखों में सब्सक्राइबर चाहिए तो वीडियो एंड तक देखना। तो स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1, स्टार्टिंग विद हुक। DRK Talks अपने वीडियो के स्टार्टिंग में हुक क्रिएट करता है जिससे ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है, जिससे ऑडियंस उसकी वीडियो एंड तक देखती है। फॉर एग्जांपल, तो भैया आज जो मैं तुम्हें वेबसाइट बताने वाला हूँ वो ना तुम्हारे चैनल को कंटेंट से भर देगी, तो तुम भी यूट्यूब पर लाखों रुपए कमा सकते हो स्पॉन्सरशिप्स। बिकॉज ऑफ द हुक, ऑडियंस स्टार्टिंग में ही वीडियो को देखकर समझ जाती है कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। तो ऑडियंस वीडियो के स्टार्टिंग में हुक तो हो गई, लेकिन ऑडियंस को एंड तक हुक करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो यहाँ पर आता है स्टेप नंबर 2, वीडियो एडिटिंग। DRK Talks ने स्टार्टिंग में तो ऑडियंस को हुक कर लिया, लेकिन ऑडियंस को एंड तक हुक करने के लिए वो अपने वीडियो के एडिटिंग नेक्स्ट लेवल की करता है, जिससे ऑडियंस उसकी वीडियो से बोर नहीं होते। वो अपने वीडियो में जूम इन, जूम आउट, साउंड इफेक्ट, कट्स का यूज करके वीडियो को एंगेजिंग बना देता है, जिससे उसकी वीडियो इतनी अट्रैक्टिव बन जाती है कि ऑडियंस आकर भी उसकी वीडियो स्क्रॉल नहीं कर पाती। वीडियो एडिटिंग तो परफेक्ट हो गया। अब आता है स्टेप नंबर 3, जिसके बिना वीडियो एडिटिंग अधूरी सी है, वॉइस क्लैरिटी। ये सब तो ठीक है, आपने ऑडियंस को अपने वीडियो के साथ हुक भी कर लिया, आपका वीडियो एडिटिंग भी अच्छा है, लेकिन अगर आप अपना वॉइस क्लियर नहीं रखोगे तो ऑडियंस आपका वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे। आप सोचते होंगे वॉइस का कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियो पर, तो ये सुनो, ये क्लिक विदाउट वॉइस एडिटिंग का है, ये विद वॉइस एडिटिंग। फर्क समझ में आया? अब बताओ ऑडियंस को विद वॉइस एडिटिंग सुनने में ज्यादा मजा आएगा कि विदाउट वॉइस एडिटिंग। तो अब आता है स्टेप नंबर 4, ऑटो कैप्शन। DRK Talks अपने वीडियो में बहुत फास्ट बोलते हैं, जिससे ऑडियंस को कुछ वर्ड समझ में नहीं आते, इसलिए वो अपने वीडियो में ऑटो कैप्शन का यूज करते हैं, जिससे ऑडियंस उनकी सारी बात को इजीली समझ जाती है, और वो ऑटो कैप्शन का यूज करके अपने वीडियो को बहुत ज्यादा एंगेजिंग बना देता है। अब आपकी वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, वीडियो एडिट हो गई, वॉइस भी परफेक्ट हो गया और ऑटो कैप्शन भी लगा दिया, ऑडियंस को भी अपने वीडियो के साथ हुक कर लिया। अब आता है लास्ट और सबसे मेन स्टेप, स्टेप नंबर 5, टाइटल। चाहे वीडियो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वीडियो को वायरल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइटल। DRK Talks अपने वीडियो के टाइटल को यूनिक तरीके से लिखते हैं, जिससे ऑडियंस उनके वीडियो के टाइटल को देखकर क्यूरियस हो जाती है और उसकी वीडियो पर ऑटोमेटिक क्लिक कर देती है। आप भी ऐसा टाइटल ChatGPT का यूज करके लिख सकते हो, बहुत जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो आएगी। एज पर माई एनालिटिक्स, DRK Talks ये सब स्टेप्स को फॉलो करके अपने वीडियो पर मिलियंस में व्यू ला रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।